जिले में पिछले 10 सालों के सारे रिकॉर्ड इस बार बारिश ने तोड़ दिए। बरसात के चलते गूढ़ा बांध के 5 गेटों को खोलकर 10,000 से अधिक क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जिसके कारण मेज नदी उफान पर है। दबलाना सहित कई जगह पर गांवों को की जो पुलियाएं हैं वो डूब चुकी हैं। पुलिया पर 1 से 2 फीट पानी चल रहा है। इस मेज नदी की पुलिया को पार करते समय एक साधु पानी में बह गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस के जवानों ने बाहर और सुरक्षित निकाला। इसी तरह समीधी और गंभीरा गांव में बरसाती नाले में 2 बाइक सवार बह गए, जिन्हें बचा लिया गया। वहीं जिले के देई इलाके के भजनेरी नदी की पुलिया पर पिछले 15 दिनों से उफान है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। नैनवा का पाइबलापुरा, बालापुरा, बर्धाबंद, भीमतल बांध, शंभू सागर, गढ़दड्ढा बांध में जबरदस्त पानी की आवक हुई है। वहीं कई सालों से सूखे पड़े दुगारी बांध में भी बढ़ने की चादर चल गई है। जिले के 21 बांध लबालब हो चुके हैं। अधिकांश बांधों पर चादर चल रही है। इस बार बारिश ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब तक 829.25 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। गत वर्ष 652.25 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बीते 10 साल में 812.91 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड था। मिली जानकारी के अनुसार दबलाना गांव को जोड़ने वाली सड़क पर नदी की पुलिया पर गूढ़ा बांध से छोड़े गए पानी के कारण करीब 1 से 2 फीट पानी की चादर चल रही है। नई पुलिया का निर्माण अधूरा होने से आवागमन भी बाधित हो रहा है। इसी बीच दबलाना गांव के रहने वाले संत लक्ष्मण बैरागी नदी पार बागेश्वर महादेव पर अभिषेक करने जा रहे थे, तभी साधु आधी नदी को पार कर लेता है। इसी बीच बुजुर्ग अवस्था होने के कारण अचानक नीचे गिरता है और पानी का सैलाब उसे बहा कर ले जाता है। पुलिया से बहकर बुजुर्ग नदी के साथ बहता जाता है। सूचना पर दबलाना थाना पुलिस और बूंदी से सिविल डिफेंस की टीम पहुंचती है, रेस्क्यू किया जाता है और बुजुर्ग को पानी से निकाल लिया गया। नई पुलिया पर रस्सी के सहारे बुजुर्ग को ऊपर लाया गया। इधर देई इलाके में भजनेरी नदी पर लोगों की जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने का सिलसिला अभी भी जारी है। गंभीरा से समीधी मार्ग पर गंभीरा गांव के पास बरसाती नाला पार कर रहे बाइक सवार 2 युवक बाइक सहित ही नाले में बह गए। दोनों युवकों ने तैर कर बमुश्किल अपनी जान बचाई। इस दौरान उनकी बाइकें नाले में बह गई। पानी की तेज आवक हुई तो बांध भी लबालब हो गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी भी अलर्ट मोड पर आ गए। अधिकारियों की टीम ने बांध और ग्रामीणों का जो क्षेत्र है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का जायजा लिया। इसके बाद बांध गेज नापकर गेट खोलने के लिए जिला कलेक्टर को सूचना दी गई। इसकी परमिशन मिलने के बाद बांध और आलोद गांव में सायरन बजाए गए, गेट खोले गए। बांध से 5 गेटों को खोलकर 10 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।